फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक गवर्नमेंट के पार्क में। मैं इस पार्क में आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। ये पार्क बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्क में कौन कौन से प्लांट ग्रो किए जाते हैं। ये देखिए, ये सीजनल प्लांट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मगर ये डेजी के प्लांट्स हैं, मगर इनमें फ्लावरिंग होने वाली है। बहुत ही सुंदर लगते हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे। ये नेक्स्ट प्लांट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है नास्तूरियम का प्लांट। इसमें फ्लावरिंग हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये कुछ हिबिस्कस के बुशेस भी हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर सैपलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारी वैरायटीज की सैपलिंग मिल जाएंगी, जैसे कि ये चांदनी की सैपलिंग्स पड़ी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, मगर सैपलिंग्स बहुत अच्छी लग रही हैं। ये ड्रैकिना की मिल जाएंगी आपको, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये हमारी ओलियंडर की सैपलिंग्स है, ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, ये स्टेम से लगाया जाता है। ये मेनली पार्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है क्योंकि ये बहुत इजीली और वाटर के बिना सर्वाइव कर जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें यूजुअली दो शेड्स आती हैं, ये पिंक वाली है क्योंकि पिंक वाली को पहचानना बहुत आसान होता है, उसकी पत्तियाँ थोड़ी हार्ड होती हैं, और जो येलो वाली आती हैं वो थोड़ी सॉफ्ट में होती हैं पत्तियाँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कटिंग्स भी पड़ी हैं, बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं नहीं जानता ये किस चीज़ की कटिंग्स हैं, अगर आप जानते हो तो मुझे प्लीज़ बताएं। यहाँ पे कुछ दुलंता की कटिंग्स भी पड़ी हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, पूरे पार्क में ग्रो की जाती हैं, बहुत ही बुशी टाइप बन जाता है। ये देख सकते हैं आप, पीपल के ट्री भी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगता है ट्री, बहुत ही क्यूट हो जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, मगर इनकी कंडीशन की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्लांट्स को ड्राई किया जाके ख़राब कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ हिबिस्कस भी हैं, इनके भी कंडीशन खास अच्छी नहीं है, मगर ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। कुछ में फ्लावरिंग भी हुई थी, मैंने देखा था, मगर अभी कोई भी फ्लावरिंग वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्लांट भी बहुत सुंदर होता है, मगर मैं इसका नाम नहीं जानता। माली इन्हें रमन की झाड़ी कहते हैं, मगर मैं नहीं जानता इसका क्या नाम है, अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। यह प्लांट भी बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही बड़ा हो जाता है, बुशी शेप में होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे कुछ पर्पल हार्ट्स और मनी प्लांट की कटिंग भी पड़ी है, लेकिन इनकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये ख़राब हो चुकी हैं। अब मेरे ख्याल से ये ग्रो नहीं करी जाएंगी, लेकिन ये यहाँ पे लाके वेस्ट कर दी गई हैं। लेकिन इनकी कंडीशन फिर भी, क्या पता ये ग्रो हो जाए, मगर मुझे नहीं लगता ये ग्रो हो पाएंगी। ये वाला प्लांट आप देख सकते हैं, ये अगावे की वैरायटी से बिलोंग करता है, ये बहुत ही हार्डी होता है और बहुत ही बड़ा हो जाता है, ये भी बहुत सुंदर लगता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाइल में लगाया गया है और बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे हमें कुछ पॉट्स में भी प्लांट मिल जाएंगे, मगर ये पॉट यहाँ रखते नहीं हैं, इन पॉट्स को खाली कर दिया जाता है और प्लांट लगाए जाते हैं। पॉट्स यहाँ पे ऐसे ही वेस्ट होते हैं, इसलिए किसी को यूज़ करने हो तो यहाँ से ले जा सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कुछ इसमें चाइना फैन लीफ पाम्स और अलग अलग वैरायटीज़ के पाम की वैरायटी मिल जाएंगी आपको पॉट्स में। ये कुछ गोल्डन धुलंता की बुशेज़ हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं और इनमें बहुत ही प्यारी लगती हैं। मैंने आपको रेड धुलंता भी दिखाया था पीछे, वो भी बहुत ही सुंदर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे अशोक ट्री लगाया गया है। अशोक के ट्री में दो वेराइटीज़ आती हैं, एक बहुत ही बड़ा हो जाता है और एक छोटा रहता है। ये बड़े वाला है, मैं आपको इसके फुल साइज़ की इमेज भी दिखाता हूँ। एक ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है और एक बहुत ही शेडी ट्री है। स्टेम भी बहुत मोटी हो जाती है, अभी तो ये खास मोटी नहीं है, मगर और मोटी हो सकती है अभी। ये नास्तूरियम की बात करें तो ये बहुत ही सुंदर लगता है मेरे को तो, और ये पूरे पार्क में बहुत ही प्यारे तरीके से लगा हुआ है। अब की बार प्लांट्स के सीजनल प्लांट्स पे गवर्नमेंट ने बहुत ही बजट खर्च किया है और बहुत ही सुंदर सुंदर डबल डहलिया जैसे फ्लावर्स भी बाकी पार्क्स में देखे जा सकते हैं। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था और सिर्फ डेजी के प्लांट्स लगाए गए थे, लेकिन अब की बार बहुत ही बजट। ये देखिए आपको यहाँ पे कैलेंडुला का प्लांट भी मिल जाएगा, ये भी बहुत ही सुंदर होता है, इसमें छोटा प्लांट भी है, ये बहुत ही प्यारा फ्लावर देता है। इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले से, जरूर विजिट करें। ये आप देख सकते हैं जाफरी का प्लांट है, इसमें भी दो शेड्स मिल जाती हैं, ये येलो वाला और ये एक रेड वाला। इसको गेंदा भी बोलते हैं, मैरीगोल्ड भी बोलते हैं, ये बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ये आप देख सकते हैं गुलाब की बुशेज भी लग रही हैं, इनमें मेरे को भी फ्लावर्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बहुत ही अच्छी सी वेल मेंटेन्ड हैं, वेल ग्रोन है। कुछ स्नेक प्लांट्स भी मिल जाएंगे, इनको एयर प्यूरीफायर कहा जाता है, बहुत ही सुंदर प्लांट्स होते हैं। भले ही भी इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ही सुंदर हो जाते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो होते हैं, हार्डी होते हैं ग्राउंड कवर के लिए बहुत। यहाँ पे न्यूली अभी ग्रास भी ग्रो की गई है, उसमें कंपोस्ट भी डाला गया है, ग्रास पूरी ग्राउंड कवर के लिए लगाई गई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये कुछ गुडेल के प्लांट्स भी मिल जाएंगे, इनमें बहुत छोटा सा व्हाइट कलर का और बहुत ही खुशबू वाला फ्लावर आता है, इसमें भी फ्लावरिंग नहीं है, ये गर्मी का फ्लावर है, अभी आया नहीं है, लेकिन इनके पास इसकी भी वैरायटी है यहाँ पे। इस प्लांट का दोस्तों मैं नाम नहीं जानता, मगर ये प्लांट भी बहुत सुंदर है, इसमें एक वाइट कलर का फ्लावर आता है, उसमें भी खुशबू होती है और ये इन्होंने फेंस के तौर पे यूज़ किया हुआ है, जबकि ये ट्री भी बन जाता है, मगर इन्होंने फेंस के तौर पे पूरे पार्क में लगाया हुआ है इसे, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसका नाम अगर आप जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए उसके छोटे प्लांट्स भी आज ग्रो करे गए हैं, बहुत ही सुंदर हैं, अभी फ्रेशली ग्रो करे गए हैं इनमें।
ये वाला फ्रेंड्स चंपा का ट्री है, ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, कटिंग से भी हो जाता है। अभी आपको इसमें कोई लीफ नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी थोड़ा विंटर का ऑटम का टाइम चल रहा है, लेकिन इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही सुंदर होती है। एक बड़ा सा व्हाइट कलर का फ्लावर आता है जो बीच में से येलो होता है और बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है ये कटिंग से। आप जरूर लगाएं इस प्लांट को। ये देखिए, इसे बर्ड का ट्री कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्री होता है, इसकी उम्र का कभी पता नहीं लगा सकते क्योंकि ये कभी मरता नहीं है और ये बहुत ही सुंदर ट्री है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये वाला फ्रेंड जो आप अशोक ट्री देख रहे हैं, ये छोटे वाली वैरायटी है। ये इसका स्टेम इतनी ही मैक्सिमम होती है और ये ज़्यादा टॉल भी नहीं होता और ज़्यादा घना भी नहीं होता। जिससे पहले मैंने आपको दिखाया था वो बड़ी वाली वैरायटी थी। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं ऐसे ही अलग अलग पार्कों की वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस पार्क में ज़रूर विजिट करें। थैंक यू।